किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर वो अपना फार्मासिस्ट के एग्जाम हो या किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जो उस एग्जाम के रिसेंट ट्रेंडिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं अगर वो आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपकी जो एक स्टडी है वो सेंट्रल और एक फोकस स्टडी हो सकती है और आप कौन से भी एग्जाम में अपना अच्छे तरह से अपना स्कोर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अभी जो हमारे एग्जाम होती है फार्मासिस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसमें फर्स्ट थिंग बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो वो बहुत रिपीट होते हैं। अभी फिलहाल जो CGHS बैंगलोर का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन थे, 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन लाइन टू लाइन थे जो ऑप्शन के सहित सेम टू सेम रिपीट हुए थे, जो कि केरला फार्मासिस्ट में कुछ साल पहले पूछे गए थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, ये अपना स्कोर बहुत बढ़ा दिया। अगर जो बच्चे अगर वो केरला फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करके गए हो तो उनके 10 से 12 मार्क हो, तो जो कॉमन जो बच्चे हैं उनसे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है इंपॉर्टेंस टू सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। देन सेकंड थिंग इज, अगर आपको पता चलता है कि यार इस टॉपिक पे और इस सब्जेक्ट पे इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली यार ट्रेंडिंग पूछे जा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सेंट्रली उसकी स्टडी कर सकते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अगर फार्माकोडायनामिक्स टर्म हो या फार्माकोकाइनेटिक टर्म हो, फार्माथेरेपेटिक्स हो, इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही हो तो आप उस टॉपिक को स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपको एक माइंड में आइडिया क्लियर हो जाता है कि यार इस टाइप के टॉपिक पे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहे हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी यार अभी फार्मेसी की, तो सब लोगों ने मेजर जो अपना सब्जेक्ट आते हैं फार्माकोलॉजी हो या फार्माकोग्नोसी हो वो सब पढ़ के, लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट आते हैं फार्मासिस्ट के अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, तो उस सब्जेक्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उस पर ही फार्मासिस्ट आरआरबी में फ्रेम हुए थे। तो अगर आपको पता चलता है कि यार अभी जो ट्रेंडिंग आरआरबी के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो आपको एक फ्यू क्लियर हो जाते हैं माइंड में कि यार इस टॉपिक पे भी और इस सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट माइनर या मेजर नहीं होता, सब सब्जेक्ट रिजल्ट आने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था उसका सेकेंड बेनिफिट। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे हमारा जो अभी रिसेंटली बुक पब्लिश हुआ है फार्मासी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि इस बुक में हमने क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर ऐड किए हैं, क्यों किए हैं, मुझे क्यों लगा कि जीपैट के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें डालने चाहिए, तो ये पूरा जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानेंगे हमारे जो पुराने एडिशन थे उसके बारे में। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिशन जो कि टाइटल आता है फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट। इसमें हमने आपको प्रोवाइड किए थे 3000+ क्वेश्चंस। देन सेकंड उसका रिप्रिंट एडिशन आया था, तो ये था इसका रिप्रिंट एडिशन। तो इसमें मैंने जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे RRB 2019 के, तो इसमें दो सेट मैंने इंक्लूड किए थे, कुछ माइनर आंसर करेक्शन किए थे, ज़्यादा कुछ करेक्शन या चेंजेस नहीं थे, तो ये इसका रिप्रिंट एडिशन था। अभी जो फिलहाल हमने पब्लिश किया है 2 दिन पहले, तो ये है इसका सेकेंड एडिशन। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 5500+ क्वेश्चंस, कुछ एडिशंस हमने इस बुक में की है, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि क्या एक्स्ट्रा एडिशन की है इस बुक में, कौन से नए क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जीपैट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाले हैं, क्यों डाले हैं आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं एजिट, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए जो रिसेंट एग्जाम आने वाली है उसमें, तो इसकी वजह से जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के जीपैट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली, तो वो मैंने इस बुक में ऐड की है, तो ये आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए जानेंगे पूरा बुक का डिटेल में रिव्यू। तो ये है बुक का एक्सटीरियर डिजाइन, आपको यहाँ से देख सकते हैं, तो जानेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस किए हैं इंडेक्स में,
जो वैल्यू एडिशन हमने की है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना सारा वैल्यू एडिशन और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए थे यहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो आरआरबी के यहाँ से आपको दो सेट देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु का एक क्वेश्चन सेट दिया है, देन इसरो फार्मासिस्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा फार्मासिस्ट का भी क्वेश्चन पेपर दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये जो माइनर सब्जेक्ट है उस पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ डाले हैं। फार्माकोलॉजी के भी क्वेश्चन सेट देखने को मिलेंगे। देन रिसेंटली जो सीजीसीएस का क्वेश्चन एग्जाम हुई थी, मैंने आपको कहा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है 10-12 वो रिपीट हुए थे, तो ये भी क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये एसआईसी पैरामेडिकल अभी का भी एक सेट दिया है, सीजीएचएस का भी है, ओएनजीसी फार्मासिस राजस्थान की अभी जो बहुत बड़ी ऐड चल रही है तो उसका भी क्वेश्चन सेट है आपको देखने को मिलेगा। केरला फार्मासिस्ट का है, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन, देन केरला फार्मासिस्ट, और ये जो 10 साल के जीपैट के सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हैं जो कि आपको जो आने वाला एग्जाम है फार्मासिस्ट में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दी है और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है बुक का इंटीरियर डिज़ाइन और क्वेश्चन फ्रेमिंग, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, जो पिछला एडिशन था उसमें कुछ आंसर करेक्शन थे, कुछ क्वेश्चन सेट ऐसे थे कि जिसमें कुछ आंसर करेक्शन थे, तो आप लोगों ने हमें कुछ आंसर चेंज करने के लिए और कुछ सजेशन किए थे, वो कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ आंसर जो है सेकंड आंसर की के अकॉर्डिंग दिए है, आरआरबी ने जो आंसर की दिए है सेकंड आंसर की तो उसमें कुछ चेंजेस उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस किए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना सारा वैल्यू एडिशन हमने किया है। तो ये है बुक का बैक कवर का डिज़ाइन, यहाँ से आप देख सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आप हमें सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो बुक है ओनली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन कहाँ भी बुक शॉप पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस मेल पर हमें मेल भेज सकते हैं। तो ये था बुक का बेसिक रिव्यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते हंसते और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम।